जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमंते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वारो, बुधवार का दिन 9 मार्च विषकंभ योग कृतिका नक्षत्र, सुबह 8:31 तक सूर्य और शुक्र का प्रभाव, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र का उदय होगा, चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव। आज तुला राशि वालों की कुंडली में चंद्रमा, शुक्र, सूर्य का प्रभाव, राहु की छाया, शनि मंगल, बृहस्पति की दृष्टि। तुला राशि वालों, आज आपके लिए बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख और जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला सुंदर योग। तुला राशि वालों के लिए आज आत्मसम्मान ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य का प्रभाव सुबह 8:31 तक, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा का प्रभाव 8:31 के बाद। तुला राशि वालों, आज आपका आत्मसम्मान, आपका स्वाभिमान आपके लिए बड़ा मायने रखेगा। अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान से आप कभी समझौता नहीं करेंगे। आपके जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। आपके जीवन में सौभाग्य लाभ का योग है, क्योंकि आज आपकी कुंडली में चंद्रमा, शुक्र, सूर्य का प्रभाव, राहु की छाया, शनि मंगल, बृहस्पति की दृष्टि है। आज आप जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। आज आप काफी शौकीन होंगे। अपने जीवन में अपनी मर्जी से हर काम करना पसंद करेंगे। आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, आपके अंदर बहुत जोश है, आपके अंदर बड़ा साहस है। आपके लिए लाभ, तरक्की, उन्नति, सौभाग्य, सुख है, सब कुछ आज आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में ये जो योग है आपके जीवन को काफी सुंदर बना रहा है। आज कृतिका नक्षत्र का सूर्य जो आपकी कुंडली में आपके लाभ स्थान का स्वामी होता है, सूर्य का प्रभाव जब तुला राशि पर ज्यादा होता है तो आपके जीवन में ज्यादा धन प्राप्ति होती है, आपके जीवन में ज्यादा बड़ा लाभ मिलता है। आप अपने काम से धन कमाते हैं और आपके अंदर धन कमाने की अद्भुत योग्यता होती है। कड़ी मेहनत से बड़े मुकाम को आप हासिल करते हैं, जीवन में प्रगति के लिए एक नई शुरुआत करते हैं और शिखर तक पहुंचते हैं। अपने काम को करने की आदत, अपने जीवन में आगे बढ़ने का साहस कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता लेकर आता है। अपने लक्ष्य के लिए आप कड़ा परिश्रम करते हैं, जिसका परिणाम आपके लिए बड़ा शुभ और सुंदर होता है। वहीं रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा जब अपने प्रभाव से आपको प्रभावित करता है तो चंद्रमा आपकी कुंडली में कर्म स्थान का स्वामी है। कर्म स्थान का स्वामी जब अपने प्रभाव से आपको प्रभावित करता है तो आप भाग्यशाली भी होते हैं, कर्मठ भी होते हैं, कर्मयोगी भी होते हैं। जब आप कर्मठ और कर्मयोगी बन जाते हैं तो आपके जीवन में धन समृद्धि सौभाग्य बढ़ने लगता है। आपके लिए लाभ का योग बनता है, सुख का योग बनता है, धन का योग बनता है, समृद्धि आती है, सौभाग्य जागता है। यानी चंद्रमा का जब प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं, सुखों का भोग करते हैं। वहीं शुक्र आपके जीवन में प्यार देता है, शुक्र आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाता है। तुला राशि वालों, शुक्र आपके लग्न का स्वामी है। लग्न का स्वामी जब अपना प्रभाव तुला राशि पर दिखाता है तो तुला राशि वाले आपके जीवन में प्यार के फूल खिलते हैं, आपके जीवन में सुख मिलता है, स्त्री का प्यार मिलता है, स्त्री से लाभ होता है और आपके जीवन में समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपके अंदर रिश्ता बनाने का हुनर है, आपके अंदर
इतना साहस है कि अपने जीवन में आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निभाते हैं। आपके मन में अगर नकारात्मक विचार आ जाता है तो उसे दूर करके पॉजिटिव एनर्जी से आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। तुला राशि वालों, आज आपका शौकीन आप बहुत होंगे, यानी अपने जीवन में सुखों का भोग आपको करना आता है। आपको पता है कि अपने जीवन में सुख कैसे प्राप्त किया जाता है। आपको पता है क्या करने से आपके जीवन में खुशी मिलती है। वैसे कार्य को करने की आप प्रयास करते हैं। कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होता है। आपके संतान की उपलब्धि आपके लिए बड़ा मायने रखती है। स्त्री का प्यार आपके मन को भाता है। भाग्योदय आपके जीवन को सुखद और सुंदर बनाता है। आपके लिए आज का दिन बड़ा सौभाग्य लाभ समृद्धि और सुख से परिपूर्ण होगा। आज आपकी कुंडली में 8:31 तक सूर्य और शुक्र का प्रभाव होगा। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव होगा। समय बड़ा शुभ है। उत्तम परिणाम मिलेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। तुला राशि वालों, आज आपकी कुंडली के धन स्थान में केतु बैठा है। आपकी कुंडली के सुख स्थान में मंगल शनि शुक्र का गोचर है। आपकी कुंडली के पंचम भाव में बुध सूर्य बृहस्पति का गोचर है। चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु के साथ बैठा है। यानी आपके जीवन की जो विघ्न बाधा है, आपके जीवन की जो समस्या है, आपके जीवन में जो परेशानी है, उस परेशानी को शनि सुख स्थान में बैठकर दूर करेगा। उस परेशानी को अष्टम भाव का राहु दूर करेगा, क्योंकि शनि की पंचम दृष्टि राहु पर है, राहु की नवम दृष्टि शनि पर है। जब राहु और शनि एक दूसरे से नवम पंचम योग बनाता है तो आपका जीवन बदलने लगता है। आपके जीवन में बड़े बदलाव होते हैं। आपके जीवन में लाभ तरक्की होती है। सौभाग्य समृद्धि से परिपूर्ण आप होते हैं। आज आप बहुत रोमांटिक होंगे, यानी रोमांटिक मिजाज होने के कारण आज आप में प्यार का उत्साह भी होगा, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव जो 8:31 के बाद आपके ऊपर पड़ेगा, उसमें आपको प्यार का सुख भी मिलेगा। जीवन की समृद्धि का भोग करेंगे। अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। नए विचार, नए परिवर्तन आपके जीवन में आपको आकर्षक बनाएगा। भाग्य का भी साथ मिलेगा। आप कर्म योगी भी होंगे। आपके जीवन में सुख आनंद बढ़ेगा। अपने काम से आप खुश रहेंगे। आपके जीवन में उपलब्धि तरक्की और समृद्धि धन सुख सुविधा बढ़ेगा। ये समय आपके भाग्य को तेजी से बदलेगा। आपके जीवन में सफलता देगा, कामयाबी देगा, खुशखबरी देगा। अच्छे रिजल्ट आप अपने जीवन में अपने काम का पाएंगे। मन में जब समृद्धि होती है, जीवन में जब खुशी होती है, कार्य की सफलता होती है, समस्याओं का निवारण होता है, तो आपके जीवन में बड़ा लाभ होता है, बड़ा सुख मिलता है। तुला राशि वालों, आज आपके अंदर प्रभाव भी है, आज आपके अंदर साहस भी है, आज आपके तेज से जीवन में सुख मिलेगा। यानी आज आप तेजस्वी भी हैं, आपके पास धन भी आएगा, आप प्रभावशाली भी बनेंगे। आपके लिए प्रेम और प्यार का आकर्षण बड़ा मायने रखता है। सौंदर्य और सुख आपके मन को भाता है। आप रिश्तों को निभाना जानते हैं। आपके लिए अपने सोच समझ से किसी भी काम को करते हैं और कार्य करने में आप सक्षम होते हैं, जिसके कारण आपका भाग्योदय होता है। आपके जीवन में सुख बढ़ता है, धन आता है, सौभाग्य लाभ का सुंदर योग मिलता है। तुला राशि वालों, आज का दिन 4 चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी बृहस्पति है। अब बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में बुध और सूर्य के साथ बैठा है।
बृहस्पति का मित्र सूर्य है। सूर्य जब बृहस्पति के साथ गोचर करता है तो बृहस्पति की दशा में आपके जीवन में बड़ा लाभ मिलता है। मंगल चूंकि शनि और शुक्र के साथ बैठा है, मंगल का भी प्रभाव आपके लिए अच्छा हो जाता है। द्वितीय चरण का स्वामी शनि है। शनि जब अपना प्रभाव दिखाता है तो आपके जीवन से जो कष्ट है वो कष्ट दूर होने लगता है, क्योंकि आज केतु आपकी कुंडली के धन स्थान में बैठा है, राहु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में, यानी जीवन की समस्या धीरे धीरे समाप्त होगी और धन धीरे धीरे आपके जीवन में बढ़ेगा। तृतीय चरण में बुध का प्रभाव होगा। बुध आपको भाग्यशाली बनाएगा, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी है। बुध के प्रभाव से जीवन का संघर्ष दूर होगा, समृद्धि बढ़ेगी, सौभाग्य जागेगा। चौथे चरण में आज आपके लिए शुक्र का प्रभाव होगा। शुक्र आपके जीवन में सुख देता है, लाभ देता है। शुक्र आपके जीवन में समृद्धि देता है, सौभाग्य को बढ़ाता है। आज शुक्र का प्रभाव आपके लिए अच्छा होगा। शुक्र के प्रभाव से परिवार में खुशियां बढ़ेगी। शुक्र के प्रभाव से जीवन की कठिनाइयां दूर होगी और शुक्र के प्रभाव से आपके जीवन में आकर्षण बढ़ेगा, संबंध में मधुरता बढ़ेगी, आप धनवान बनेंगे, ऐश्वर्य आपके जीवन में और भी ज्यादा सुंदर होगा। यानी आज अपने जीवन में आप जो पाना चाहते हैं पा सकते हैं। समय उत्तम है, भाग्य का साथ है, आपके जीवन में लाभ का योग है। तुला राशि वालों, विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग। 9 मार्च बुधवार का दिन, फागुन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, विषकंभ योग, कृतिका नक्षत्र, सूर्य और शुक्र का प्रभाव सुबह 8:31 तक, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र का शुक्र चंद्रमा। आज आपकी कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और सूर्य का प्रभाव, राहु की छाया, शनि मंगल, बृहस्पति की दृष्टि। तुला राशि वालों के जीवन में सुख, धन का लाभ, कार्य में सफलता, लाभ की स्थिति। आज आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, उन्नति के द्वार खुलेंगे, लापरवाही से बचें, जीवन साथी का प्यार मिलेगा, आपके अंदर का उत्साह आपको आगे बढ़ाएगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, मान सम्मान प्राप्त होगा, अपने जीवन में भाग्य का साथ आपको धन धान से परिपूर्ण करेगा, आपके जीवन में लाभ सौभाग्य का योग है, समृद्धि धन का योग है, आपके जीवन में खुशियां भी बढ़ेगी, आपके जीवन में भाग्य का साथ भी मिलेगा, आप सुखों का भोग करेंगे, आपके लिए समय अच्छा है, आप सफलता प्राप्त करेंगे, खुशियों का अवसर आपके जीवन में समृद्धि लाभ लेकर आएगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49, ब्रह्म मुहूर्त में कृतिका नक्षत्र का शुक्र अपने प्रभाव से आपको प्रभावित करेगा। जब शुक्र का प्रभाव होगा जीवन में एक उमंग होगा, एक उत्साह होगा, कुछ पाने की इच्छा होगी, आपके लिए इच्छा प्रबल होगी, अपने परिश्रम से आप जीवन का सुख पाएंगे। रवि योग सुबह 6:38 से 8:31, इस दौरान कृतिका नक्षत्र विषकंभ योग का सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर होगा। मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होंगे, पर काम वही करेंगे जो आपके मन को भाएगा, जिससे आपको लाभ होगा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव प्रबल होगा, सूर्य आपके लिए लाभदायक है। सर्वात सिद्धि योग में शनि मंगल बृहस्पति की दृष्टि होगी, आपके लिए उत्तम फल लाएगा, आपकी किस्मत को चमकाएगा। विजय मुहूर्त 2:30 से 3:17 का समय, ये समय सफलता, कामयाबी, खुशखबरी का होगा, ये समय लाभ, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति का होगा, ये समय आपके जीवन में सौभाग्य और सुख देगा। आज का राहु काल 12:32 से 2 बजे तक, राहु काल के दौरान
किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। चंद्रमा शुक्र सूर्य का प्रभाव, राहु की छाया, शनि मंगल बृहस्पति की दृष्टि, उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर व्हाइट होगा, लकी नंबर 2 होगा। तो तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बड़ा भाग्यशाली है। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपके जीवन में बड़ा लाभ होगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके भाग्य बदलेंगे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी किस्मत चमकेगी। तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, समय शुभ है, उत्तम परिणाम मिलेंगे। ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।